देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और शाजापुर में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शाजापुर जिला मुख्यालय स्टेडियम ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर परेड का आयोजन भी किया गया जिसमें स्कूली छात्रों, पुलिसकर्मियों और अन्य संगठनों ने भाग लिया। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अपने संदेश में देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और देश के नागरिकों से एकजुट होकर देश की उन्नति के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, हमारे मूल्यों और हमारे आदर्शों को संजोकर रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर निबंध पाठ और कविता पाठ किया जबकि अन्य संगठनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी इस अवसर पर उपस्थित रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और देश के नागरिकों से एकजुट होकर देश की उन्नति के लिए काम करने का आह्वान किया। शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्रीय की रिपोर्ट।